हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बिल्कुल नए तरीके का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में कभी भी बना सकते हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और सिर्फ दो चीज़ों से ये बनकर तैयार होगा, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। तो इसके लिए हमने दो आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से धोकर छील लिया है। दोनों आलू को बढ़िया से छील लेंगे ताकि इनके छिलके बिल्कुल भी ना लगे रहें और इनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आलू को हमने बढ़िया से छील लेना है। दोनों आलू छील लिए हैं अच्छे से। अब हमें इनको कद्दूकस करने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी लिया है और जिससे हम अदरक कद्दूकस करते हैं वो पतला वाला ग्रेटर लिया है। इससे क्या होगा, जब हम आलू के लच्छे को ग्रेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से हमें पूरे आलू को अच्छे से कद्दूकस करना है और ये काम ना बहुत ही आसानी से फटाफट से हो जाता है। और कितने बढ़िया से आलू के लच्छे निकल कर आए हैं आप खुद ही देख सकते हैं। पूरे आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, दोनों आलू को। अब मेन जो स्टार्च है ना, इसमें गंदगी लग रही है, इसे हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धो देना है ताकि जो भी इसका स्टार्च हो वो निकल जाए। हमने पानी से अच्छे से धुल लिया है, 2 से 3 पानी से। अब हमें जो इसके लच्छे हैं इनका हमें पानी पूरी तरीके से इस तरीके से निचोड़ देना है। इस तरीके से निचोड़ कर पानी को हमें अलग कर लेना है। अब हमने दूसरा एक बर्तन लिया है, उसमें डालेंगे 2 छोटा कप सूजी। तो सूजी को आप किसी भी कटोरी या फिर कप से मेज़र कर लीजिएगा। तो इसमें डालेंगे 2 कप सूजी। अब इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवर के लिए मसाले, जैसे कि डालेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुटा हुआ गरम मसाला या फिर जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे तीखे के लिए, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हमने क्रश किया हुआ अजवाइन डाला है हल्का सा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें कलर के लिए डाली हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। अब इसमें डालेंगे 1 कप के जितना छाछ, इससे ये नाश्ता बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और साथ में जो आलू को कद्दूकस करके रखा था वो डाल देंगे। अब ना इसमें हमें बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। सभी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। हल्का सा पानी कम लगा तो हमने 2 चम्मच के जितना पानी और यूज़ किया और इसे बस मिलाकर अब हम छोड़ देंगे इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है वो बढ़िया से फूल जाए। अब 10 मिनट हो गए हैं, उतनी देर में सूजी बढ़िया से फूल गई है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे चुटकी भर बेकिंग पाउडर, इससे ये नाश्ता बहुत ही फूला फूला सा बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं या फिर बेसन भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी पॉलीथीन का यूज़ करेंगे, जैसे कि दूध की पैकेट, नमक की पैकेट, कोई भी घर में पैकेट बनी ही रहती है। तो मैंने यहाँ पे नमक की जो थैली आती है ना, उसका यूज़ किया है। अब हम ये वाला जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसमें चम्मच की मदद से 2 चम्मच तक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डालेंगे और इस तरीके से ऊपर से बंद कर देंगे, हाथ से पकड़ लेंगे और नीचे की साइड ना इसे हम कैंची की मदद से कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें ये काम तो कर लिया, इधर कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इस तरीके से ना हमें इनको निकालते जाना है। तो ये हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और एक बार में आप कई सारा नाश्ता बना सकते हैं, कुल सारा बनकर तैयार होता है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इन्हें सेकना है और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब इनको हमें अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से सेकना है
बहुत ही करारा, कुरकुरा, क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। और बारिश के मौसम में ये नाश्ता खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार सूजी आलू से बना ये नाश्ता ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया सा क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, बढ़िया से सिक गया है। तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में, और इनको ना आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही करारे क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही इजी बन जाते हैं। ज़्यादा तामझाम नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार सूजी आलू के ये टेस्टी से पकौड़े बनाकर देखेगा, सच में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।